हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अनदर ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग ये है, ये देखो गाड़ी, ये गाड़ी के तिरपाल पे खड़ा हूँ। आधी बर्फ़ मैंने की है, यहाँ से नीचे गिराई है इस प्लेट से, तब एक साइड की रह गई है। देखो कितनी बर्फ़ पड़ी थी, तो गाड़ी तो अनलोड हो जानी थी, पर अब बर्फ़ की वजह से रास्ता बंद हो गया है। बस जब जिस दिन हम आए थे, हमने गाड़ी वहाँ पार खड़ी की थी, बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, जगह बिल्कुल सूखी। जब बर्फ़ पड़ने लगी हम गाड़ियाँ इधर साइड ले आए रोड के साथ में ही, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी पक्की है। वो देख सकते आप, वो दूसरी गाड़ी है, वो गई अंदर आई खाली होने पर। गाड़ी बहुत मुश्किल से बाहर आई, फंस गई गाड़ी, नहीं हुई अनलोड। बहुत ही गंदी जगह यहाँ पर खाली करें, टाइट सी जगह और बर्फ़ पड़ी है। देखो यहाँ का व्यू। तो बात करता हूँ आपसे इसको सब बर्फ़ को हटाने के बाद। फ्रेश स्नो पड़ रही है, देखिए व्यू। यहाँ पे रोड है, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके टायर के निशान। बाकी देखो कितनी, ऐसे लग रहा है ऊपर से कोई हम पर रूम फेंक रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की। गाड़ी पे भी काफ़ी बर्फ़ जम चुकी है। अब देखो व्यू कितना सही व्यू है देखने का। सो गाइस, फाइनली गाड़ी आने आई है खाली होने के लिए आज, वो भी इतनी रात को, भी 10 बज रहे हैं। तो अभी हम आए थे वो 14 चक्की लेके पहले, वो एक उस्ताद हैं हमारे, यार PB नंबर गाड़ी है, बहुत परेशान किया पुलिस वालों ने। वो यार बहुत ही गंदा व्यापारी है, इतना गंदा व्यापारी अभी तक मैंने कभी देखा नहीं। तो वो होगी अनलोड, खाना वगैरह उन्होंने बनाया, उनके साथ खाया खाना। तो अपनी गाड़ी ये देखो लगाई है रोड पर, जगह से रोड है, और कल 26 जनवरी है, तो गाड़ी शायद मुश्किल अनलोड होगी। वो देखो अभी पुलिस वाले वहाँ पर घूम रहे हैं, ये BSF वाले हैं शायद, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अभी लगाई है, उस्ताद खा रहे हैं खाना उस गाड़ी में, तो वो भी फंसी है अभी वहाँ पे भी। देखो प्लान रास्ते में खड़ी है, तब भी गाड़ी फंसी है। तो उस गाड़ी को थोड़ा वहाँ से निकालेंगे, ट्राई करेंगे निकालने की, उसके बाद वो निकले उसको भेजेंगे लाइन पर। काफ़ी दिन हो गए उनको भी खड़े हुए, तो मेरा अपनी गाड़ी के अंदर। तो अभी बस खाना शाना खा के सो जाएंगे अभी। तो उससे यहाँ पर चोरी चारी भी बहुत होती है, रात को खिड़कियाँ अच्छे से बंद करके सोना पड़ेगा। आई होप यार कल गल पूरी खाली खाली हो जाए यार, काफ़ी दिन से आए, 20 तारीख को पहुँचे, आज कल 26 हो जाएगी, 6 दिन हो गए गाड़ी खड़े हुए। यार कसम से आई हो, इतना गंदा व्यापारी कभी नहीं देखा मैंने। और हो सकता है फ्रेंड्स मेरा लास्ट ब्लॉग हो ट्रक पे, ब्लॉग तो आएंगे बट ट्रकिंग पे, क्योंकि इसके बाद शायद मैं अभी जाऊँगा घर, मतलब 7 फरवरी तक नहीं जाऊँगा, 7 फरवरी के बाद जाऊँगा 10 फरवरी तक ही घर। तो देखता हूँ अभी, घर में भी थोड़ा काम है यार, पापा को मेरी ट्रक लाइफ पसंद नहीं है। सो मुझे अपने पेरेंट्स को खुश रखना है ऑलवेज़, तो मैं उनकी बात ही सुनूंगा, वो जैसा कहते हैं वैसा ही होगा घर में जाकर। तो अब उनसे मिलते हैं सुबह, तो गाड़ी का रास्ता तरपाल खोलते हैं। तो फाइनली आज उन्होंने बोला कि गाड़ी खोलो, आज तारीख है 27/21 के हम आए। यार बहुत ही, ये देखो कहाँ पर गाड़ी घुसी है, कहीं टाइट सी जगह और इतना बर्फ़। यार मैं तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ का माल भरें वह ध्यान से भरें। सोपुर का है मोहम्मद कुछ ऐसा है, लास्ट बट है मोहम्मद फारूक बट, इनका जो भी माल भरे भाई मैं तो कहता हूँ मत ही भरो, क्योंकि यार बहुत ही यार गंदा इंसान है यार। गाड़ी इतने से खाली नहीं की, आज भी खोली है, कहता भी देखते हैं जितनी कर पाए के लिए उतनी करेंगे बाकी बाद में। तो सबसे लास्ट गाड़ी हमारी बची है, ये देखो आप कितनी टाइट जगह पर गाड़ी घुस आते हैं। ये हाईवे है, ये देखो सिंगल, और छोटी गाड़ी तो मानते हैं और सब कश्मीरी हैं, यहाँ पे मान सुनता है हमारी है नहीं कोई, और इतनी लंबी गाड़ी यहाँ पे घुस आई, इतनी मुश्किल से गाड़ी घुसी, मतलब आप पार अभी कितनी बर्फ़ है, और यहाँ नीचे भी, यहाँ ऊपर से बर्फ़ गिरती है जब वो नीचे, तो गाड़ी चढ़ती नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है उस वजह से। तो गाइस फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करो वहाँ का माल मत ही भरो यार, मत ही भरो। देखते हैं अब आज हो जाए लोड, तो यार जाएंगे यहाँ से बाहर यार, मतलब बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही ज़्यादा, इतना मैं अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं हुआ। एक तो यार पैसे भी शॉर्ट हो गए, जितने एडवांस लगे थे वो तो चलो मालिक अच्छे हैं, मतलब पैसे उन्होंने किसी ना किसी तरीके से पहुँचा दिए, वो कह रहे हैं लोडिंग हम अनलोडिंग हम खुद दे देंगे आपको, 3-4 हज़ार पास रखो, अपना आप सर्कल चलाओ, अपनी कार्रवाई 3-4 दिन के बाद होगी। यार बहुत ही गंदा इंसान है, मत पूछो। तो बस मेरा ये शायद आखिरी ही फेर है, उसके बाद मैं घर जाना, थोड़ा मेरे घर में काम है, तो वहाँ पर जाके बताऊँगा अपना आपको स्कूल का पूरा व्यू, स्कूल टूर करवाऊँगा, होम टूर, तो अपना विलेज टूर। तो देखते हैं उसके बाद क्या बनता है, तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, देखते हैं कितनी अनलोड होती है, फिर आपको बताता हूँ, फिर करेंगे ब्लॉग को यहाँ पे एंड। फाइनली गाड़ी पूरी ही अनलोड होने वाली है, बहुत मुश्किल से करवाई अनलोड। तो निकल गया हूँ वहाँ से अनलोड लेके, अपनी पहुँच वगैरह लेके जो हमारे डॉक्यूमेंट थे। तो यार मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा,
जो भी गाड़ी, चाहे हमारी हम जो गाड़ी चाहे वो अंबर फ्लोर मिल की है, चाहे चाँद का कोई ड्राइवर हो या बाहर का कोई भी, भाई सोपोर की गाड़ी बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि यार जिस व्यापारी का हम लेके गए थे यार, ना अच्छे ढंग से बात करना ना रास्ता बताना, बहुत ही दिक्कत हुई, बहुत ही परेशानी यार। भाई इतनी दिक्कत मुझे आज तक कभी नहीं हुई, हमने इतने फेरे श्रीनगर लगाए, कई श्रीनगर के भाई हैं कश्मीरी भाई, बहुत अच्छे हैं यार, बहुत हेल्प करते हैं, पर कई यार बीच में बहुत ही बुरे हैं। सो अब कार्रवाई तो आगे बंद कर दी है, फिर भी यहाँ से निकलेंगे, आगे रुकेंगे कार्रवाई, यहाँ पे गाड़ियाँ स्टॉप हुई हैं, लाइन पे गाड़ी लगाएंगे, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे ही ख़त्म। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बने बेल आइकन को दूर ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर।